हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखना है बाकी में। मैं हूं प्रदीप प्रजापत और आज आपके लिए फिर से लेके आया हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले जो सेठ लोग थे या फिर उधार खाता तो बोलते हैं, बही खाता बोलते हैं दोस्तों, तो इस तरह की पहले बही खाता होते थे। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी को देखते हुए आपको पता ही है कि हर चीज़ बदलती है और यूज के लिए भी नई चीज़ें आती रहती हैं। और मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना, तो इसको देखते हुए दोस्तों एक ऐसी ऐप निकाली है जिससे कि दोस्तों ये ऐप स्पेस उन लोगों के लिए है जो उधार करते हैं, उधार देते हैं, लेते हैं, कुछ भी इस तरह के। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया ऐप है। मैं इसमें को 10 में से दोस्तों 9 नंबर दूंगा पक्का, क्योंकि दोस्तों ये ऐप बहुत शानदार है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, मोबाइल के ऊपर लाइव दिखाता हूँ कैसे क्या प्रोसेस करता है, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे आपको ये जो ऐप है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अगर वैसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप अपने जो प्ले स्टोर है वहाँ पे जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद भी यहाँ पे लिखेंगे ओके क्रेडिट, ठीक है? ओके, सॉरी ये मेरी हिंदी में मैंने टाइप कर रखा है, ओके क्रेडिट, ठीक है? दोस्तों, ये आपको फर्स्ट जो दिखा रखना है रिच कैश बुक जो खाता बिजनेस, दोस्तों आपको इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने बाद में आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, ये 7 MB की फाइल है और 4.8 रेटिंग इसको दी हुई है। बहुत बढ़िया ऐप है दोस्तों, देखिए इसको। ये जो ये आपके इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में आपको इसको ओपन कर लेना है, और स्टेप बाय स्टेप जो मैं करता हूँ इधर, आप उसको अच्छे से तो देख लेना, उसके बाद आप अपने यूज अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही आपको इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आप जो अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूँ तो इंग्लिश में कुछ टेक्स्ट आएगा, लेकिन आएगा बेसिकली हिंदी में। जैसे हम इंडियन हैं, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी, तो उस तरह एकदम ये ऐप बना रखी है। देखो, इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया और स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, क्लिक कर दें, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, ठीक है? मैं अपना मोबाइल नंबर डाल, ठीक है, और इसको ओके करता हूँ। जो ही मैं इसको करूँगा तो मेरे जो पासवर्ड हैं इस पर यहाँ पे आ जाएंगे डालने के लिए। आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। उसमें चेंज भी कर सकते हैं पासवर्ड, फर्स्ट टाइम आपको नया बनाना पड़ेगा आपका, ठीक है? ये आपका जो व्यू आएगा वो इस तरह का आएगा, ठीक है? आप इसको बाहर क्लिक करके क्लोज कर दीजिए यहाँ से। इसके अंदर दोस्तों ये इतनी बढ़िया ऐप है, इसमें आपको बही खाता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस एक ऐप से आप थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। इस एक ऐप से आप सब कुछ लेन देन का जो हिसाब है वो कर सकते हैं। किसी अपने फ्रेंड है उसको व्हाट्सएप भी शेयर कर सकते हैं कि आपका हिसाब जो है वो इतना आपने लिया है, इतना आपने दिया है, और उसको अलर्ट भेज सकते हैं। पूरी लिस्ट बन जाएगी, डिस्क्रिप्शन बन जाएगा पूरा, जैसे होते हैं ना बही खाता, पूरा स्टार्ट से एंड तक कि कब आपने लिया था, कब नहीं था, डेट पे जाएगी, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको कैसे क्या। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, संजय नाम से मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च करते संजय मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैंने उसको अलाउ और कॉन्टैक्ट के अंदर से मांगेगा, ये इंपोर्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है? आपका जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है पहले। जो ही आपका इंपोर्ट कर लेगा उसके बाद में ऑटोमेटिक वहाँ से नाम उठा लेगा जो भी हो इसके अंदर रिकॉर्डिंग। देखो, इसमें इंपोर्ट कर लिया है, अब इसके अंदर यहाँ पे ऐड करिए संजय, चेक किया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने संजय जितने नाम थे वो यहाँ पे आ गए, ठीक है? अब ये देखो, संजय नाम जितने भी हो सब यहाँ पे आ जाएंगे आपको। और मैं जैसे कि मान लीजिए एक बंदे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, संजय ये कर लिया, ठीक है, ठीक है, मैंने इसको ऐड कर लिया है संजय बम्बनी, ठीक है। अब ये देखो दिखा, इसमें जो बैकग्राउंड है वो भी ऐसा देना रहा। तो संजय बम्बू के साथ आपके ट्रांजैक्शन पूरी तरह सिक्योर हैं, और क्रेडिट आपका डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है? ये आपके लिए ये स्पेशल और बहुत बढ़िया। देखो, अब उधार दिया, मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, या कोई मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने किसी को उधार दे रखा है यहाँ पे, तो उधार मैंने मान लीजिए किसी को दे रखा है 5,000, मान लीजिए मैंने इसको दे रखे बंदे को अप्रोक्स 2600, मान लीजिए अप्रोक्स 2600 रुपये मैंने दे रखे इसको, ठीक है? कब दिए थे, किस दिए थे, तो मैंने दे काम के लिए, काम गो, चलो चलो ऐसे लिए थे गोइंग, ठीक है, गोइंग जाने के लिए दिए थे, कहीं जाने के लिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। ये आपको उधार हो गया, ठीक है, ये आज का देखो ऊपर लिखा हुआ आज,
गोइंग 600 रुपये मैंने इसको दे रखे हैं। अब ये बंदा कब आपको देगा कब नहीं देगा, अब मान लीजिए इसने कभी पेमेंट किया आपको, ठीक है, पेमेंट आपने लिया इससे, तो पेमेंट पे क्लिक, पेमेंट लिया पे क्लिक करें। अब मान लीजिए इसने कभी आपको 1000 रुपये दे दिए, तो 1000 रुपये यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए किस चीज़ के कब दिए थे, कैसे जो भी हो आपके अकॉर्डिंग। जब मान लीजिए कि मेरे को चल बस में दिए, तो बस में दिए, ठीक है, 1000 रुपये बस में दिए, डेट इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी 5 मार्च जो दिखा रखा आपको, और ये उसको ओके कर दीजिए। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको पासवर्ड हमेशा मांगेगा, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड हमेशा मांगेगा जब भी आपको पेमेंट करेंगे तो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये चेक कर दीजिए, चेक कर देखिए आगे इसमें 2600 मांग उधार थी जिसमें 1000 उसने दे दिए, ठीक है, अब पेमेंट लिया, अब कितना हो रहा है इसमें नीचे दिखा रहा है 1600 हो गया, ठीक है। अब ये ऐसे ही पूरा खाता चलता रहेगा, अगर दिया है लिया है कंप्लीट। और दोस्तों ये बहुत बढ़िया ऐप, जैसे कि मान लीजिए मेरा एक नया बंदा और ऐड करता हूँ मैं बैक की, जिसको बैक करने के बाद मैं यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर एक बंदा और ऐड करता हूँ, LALA, ठीक है, मैंने डाल दिया, ठीक है, लाला सतनाली न्यू, ठीक है, इस पर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ऐड किया, ठीक है, पेमेंट लिया, पेमेंट लिया है इसे मैंने, कितने लिया मान लीजिए मैंने इसे 10000 रुपये उधार ले रखे हैं, किस लिए लिए मान लीजिए मोबाइल के लिए लिए, ठीक है, मोबाइल मोबाइल के लिए, ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसके अंदर, और चेक कर दीजिए पासवर्ड मांगे, क्योंकि मैंने ये दोस्तों जब लिए हुए पैसे ना उसमें हमेशा पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, ताकि गलती ना हो उसमें, और मैंने इसको क्या कर दिया, और दिखा रखा कि एडवांस में आपने 10000 रुपये उस बंदे से ले रखे, अब पेमेंट अब कितना दोगे उसको उधार दिया, अब देने वाले में ये देखो आपने उसको कितना दे दिया, मान लीजिए 5000 उसको दे दिया, ठीक है, कब दिया था रस्ते में मान लो कहाँ पर कहीं भी जहाँ भी जाओ चेक कर दीजिए, मोबाइल के लिए लिए थे रस्ते में 5000 मैंने दे दिए, 5000 रुपये और बच गए, और ये सब ऐसे। और दोस्तों अगर उसको फ़ोन करना तो फ़ोन का ये आइकन इसमें ये कर सकते हैं, भेजने का दोस्तों यहाँ पे भेजेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे व्हाट्सअप मिनी स्टेटमेंट उसके पास स्टेटमेंट चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, व्हाट्सअप से मैसेज रिपोर्ट भेजें दोस्तों, इसमें मैसेज रिपोर्ट भी चला जाएगा, मासिक रिपोर्ट महीने में कितना क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना क्या हुआ है, सब कुछ इसमें डिटेल चला जाएगा, ठीक है। अब बैक करते हैं, अब जो ये आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर लाल निशान पे, तो आपके सामने इस तरह के व्यू आ जाएगा, इसमें आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कस्टमर करना चाहो, हिसाब पूरा हो गया ऑटोमेटिक, आपको ऑप्शन भी आ जाएगा कि डिलीट करने का कुछ भी, आप फोटो भी लगा सकते हैं उसकी, सब कुछ उसके बारे में दिखा रखा है कि उसके नंबर भी आ जाएंगे, फ़ोन कर जाते फ़ोन भी आ जाएगा, व्हाट्सअप पर आप स्टेटस बैच बैक कीजिए, देखो मान लीजिए आपके बैक करते हैं, होम पे ओके क्रिएट किया आपने, ओके क्रिएट करने के बाद में आपके सामने ये जो व्यू आया है, अब देखो इसमें से आपको क्या करना है, लेफ्ट 3 डॉट है इसमें दिखा रखा है इन्होंने, अकाउंट है, हेल्प है हमारे बारे में, अब अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी, आपने आपके कितने कस्टमर हैं, कितने लोगों को पैसा दे रखा है, कितना ले रखा है, उधार ले रखा है, तो वो भी इसमें दिखा देगा टोटल मिला के, और एडवांस में आपने जो दे रखी वो दिखा देगा, ठीक है टोटल। और अगर ये किसी को भेजना चाहते तो मैंने आपको दिखाया था उस मेंबर पे जाएं, जैसे तो भेजिए भेजे वाले क्लिक करें, और यहाँ पे आपको उसको व्हाट्सअप भेज सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया बंदे के पास पहुँच भी जाएगा, दिखने का जो भी हो किस तरह दिखेगा मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। ये जो नीचे दिखा रखा है ये व्यू आएगा इसके अंदर, क्लिक कीजिए इस पर, ये PDF बन के आ जाएगी, देखो इस तरह की, अगर हम सेंड करूँ तो देखो जैसे कि मैंने 3500 बैलेंस थे, और ये एक बार फ़ोन के लिए 5000 लिए, फिर आइटम के लिए 1500 रुपये, और रह गए कितने गए 3500 रुपये आ गए, तो इस तरह पूरी PDF आपकी पूरी महीने की पूरी टोटल जितनी भी है साल की पूरी बन के आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया ऐप है, आप अगर दुकान में यूज करते हैं, किसी को उधार देते भी हैं उधार लेते भी हैं, कुछ मान लो हर दिन का आपको पता ही है आजकल सब कोई ना कोई किसी से मांगते रहते हैं पैसे, मेरे को दे मेरे को दो, दोस्तों हिसाब के लिए बहुत बढ़िया है, आप आपको अगर याद नहीं रहता तो आप इसमें टोटली अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट करके इसमें डाल सकते हैं कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दूंगा, और इसका यूज कीजिए, और मेरे हिसाब से शायद बही खाते लेन देन के हिसाब के अकॉर्डिंग ये ऐप बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये
मेरे हिसाब से आप एक बार यूज कीजिए, आपको लगेगा ना, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें सब कुछ सिस्टम दिया गया है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इंग्लिश में करना तो हिंदी में करना, और बही खाता का तो बहुत बढ़िया दे रखा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये ऐप ओके क्रेडिट? तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ऐप है, आप इसको यूज कीजिए। यूज करने के बाद में आपको बताएं भी, कमेंट पे बताएं आपको। हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये जो ऐप है बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये ऐप के बारे में मैंने देखा, स्टडी की और देखा, तो बेसिकली जो लोग उधार देते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब दोस्तों के साथ में, अपने जो दुकानदार उनको भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल उनको भी सेंड कीजिए, ताकि आप पता है आज की दुनिया में उधार कोई ना कोई किसी ना किसी को देता है और भूल जाते हैं। दोस्तों ये ऐप बहुत बढ़िया है, रिमाइंड भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी बता देती है कि आप कितने दे चुके हैं, बहुत बढ़िया है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन देगा सब्सक्राइब का रेड कलर का, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं आपके फ़ायदेमंद के लिए, वो आप तक हम आप तक लाते रहें, उनके बारे में आपको नॉलेज देते रहें कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हमारा नाम चैनल क्या है, सीखना भी बाकी और हमारा काम आपको सिखाना। दोस्तों हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाएंगे, और भी हमारे साथ बने रहिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।